कौन सा एग्जाम दिया है जो बी फार्मा आपको ये कोर्स मिला? आप लेवल थोड़ा सा बता सकते हैं कि किस लेवल का क्वेश्चन आप लोग बायो से हैं या मैथ से हैं, या आपके कॉलेज में बायो मैथ एडमिशन में आप लोग का कितना पैसा लगा था? हॉस्टल आपको एडमिशन के कितने दिन बाद यहाँ पे आपको हॉस्टल अलॉट हो जाता है? ये फार्मा का जो लाइन है इंडिया में ज्यादातर देखा जाए तो ये एक्सपेंड कर बाद बी फार्म करने के बाद आपको एक अलग से लाइसेंस मिलता है, जैसे आप मेडिकल फार्मा से हाई कोर्स है आपका बैचलर ग्रेजुएशन को, तो फिर आपका इसमें क्या है उनका उनसे आपको क्या ज्यादा मिलता है? Hey guys, I am Amardeep. Welcome to my YouTube channel, Mr. Amardeep Blogs. तो कैसे हैं आप लोग? तो अभी फिलहाल मैं हूँ बी फार्मा एंड डी फार्मा के हॉस्टल में, बॉयज हॉस्टल में. हमारे साथ बी फार्मा के स्टूडेंट्स हैं जो कि डिफरेंट सेशन से हैं, ठीक है. तो आज इन लोगों से कुछ इंटरव्यू बेसिस बातें होंगी कि यहाँ पे ये कैसे आए, इनको कैसे पता चला यही कोर्स करना चाहिए, इस कोर्स का फ्यूचर क्या है, हॉस्टल कैसा है, और बहुत सारी तमाम बातें होंगी जो ये हमारे साथ शेयर करेंगे, और इससे आपको कुछ आपको नॉलेज मिलेगा, ठीक है ना. तो क्योंकि ये एक्सपीरियंस बंद है तो ये आपको बहुत नॉलेज मिलने वाला है. तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और नीचे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. तो फर्स्ट पहले आप नाम बताएं, शुरू से नाम पूछते हैं, पहले नाम बताइए. मेरा नाम राहुल कुमार एंड मैं नालंदा से हूँ, मेरा सेशन है 19-23. मेरा नाम मणिकांत, मैं पटना से हूँ, मेरा सेशन है 21-25. मेरा नाम अंकित है, मेरा सेशन 21-25 है, मैं आरा जिला से. मैं करण कुणाल, पूर्णिया जिला से, सेशन 20-24. मेरा नाम उज्ज्वल कुमार है, मैं नालंदा से हूँ, मेरा एक सेशन 21-25 है. मेरा नाम रोहित कुमार हुआ और मैं सहरसा जिला के निवासी हूँ और मेरा सेशन 21-25 है. मेरा नाम दिव्यांशु सिंह है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट, सेशन 21-25. मेरा नाम रवि रंजन चौधरी है, फ्रॉम नालंदा डिस्ट्रिक्ट, सेशन 19-23. आप लोग कौन सा एग्जाम दिए हैं जो बी फार्मा आपको ये कोर्स मिला है? बी सी सी. सब एक ही एग्जाम दिए होंगे तो थोड़ा एग्जाम का थोड़ा सा आप लेवल थोड़ा सा बता सकते हैं कि किस लेवल का क्वेश्चन आता है? एग्जाम का लेवल में थोड़ा फिजिक्स हार्ड आता है, केमिस्ट्री एकदम नॉर्मल बेसिक पूछा है, बायो थोड़ा मीडियम. तो आप लोग बायो से हैं या मैथ से हैं, या आपके कॉलेज में बायो मैथ दोनों आते हैं? बायो मैथ दोनों आते हैं. दोनों आते हैं, ऐसा जरूरी कंपलसरी नहीं है कि मैथ. पीसीएम पीसीबी से भी आ सकते हैं, पीसीएम से भी आ सकते हैं, पीसीएमबी से भी आ सकते. आप लोग अगर आपको आपका रैंक याद हो तो थोड़ा अपना यूआर रैंक बताएं. मेरा यूआर रैंक 267 था. मेरा 996 था. 105. मेरा यूआर रैंक 704. मेरा यूआर रैंक 1100. मेरा यूआर रैंक 129 था. आप लोग बी फार्मा कोर्स लिए हैं ना, तो बी फार्मा कुछ बता सकते हैं क्या सोच के आपने ये कोर्स लिया कि बी फार्मा करना है, या ऐसा भी था किसी को ऐसा भी हुआ है कि वो ये कोर्स नहीं लेना चाहता था उसको मिल गया ये कोर्स? नहीं, ऐसे स्टूडेंट को नहीं, मतलब आप लोग आपने इच्छा से लिया है कि बी फार्मा करना है, तो बता सकते हैं किस कारणवश कोई मोटिवेट किया या कुछ जानकारी किसी ने दी? बी फार्मा कोर्स में ये था कि इसमें हम मतलब एक स्कोप मिल जाता था कि हम एक बिजनेस कर सकते थे, और इसमें आप एक इस हाई क्वालिफाइड जॉब है ड्रग्स इंस्पेक्टर का. अच्छा. वो भी, और उसके बाद कई जगह एज अ फार्मासिस्ट आप काम कर सकते हैं, और इसमें काफ़ी आपको स्कोप मिल जाता है जो आप एक्स्ट्रा आप कर सकते हैं, और सरकारी जॉब भी कर सकते हैं और बाहर भी आप काम. अच्छा. कर सकते हैं. आप क्या सोचते हैं भाई? मैंने सोचा था कि बी फार्म मतलब होता है कि मतलब एक प्रोफेशनल जॉब हुआ, मतलब इंडस्ट्री वगैरह का भी ऑप्शन खुल जाता है, इसमें 4 साल का प्रोग्राम होता है, फिर इसके बाद आप चाहिए तो हाईएस्ट स्टडी के लिए भी जा सकते हैं, मास्टर वगैरह कर सकते हैं, पीजी कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात बी फार्म करने के बाद आपको एक अलग से लाइसेंस मिलता है जिससे आप मेडिकल शॉप खोल सकते हैं, और साइड वगैरह मतलब गवर्नमेंट जॉब की भी वैकेंसी काफ़ी सारी आती है, मतलब रेलवे में, बीएसएफ में, सीआरपीएफ में, एज ए फार्मासिस्ट, आर्मी में, एयरफोर्स में, बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब आती है एज ए फार्मासिस्ट की, और मतलब प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत है अभी, मतलब टीसीएस वगैरह है या हेल्थ केयर, मतलब एनजीओ वगैरह में भी फार्मासिस्ट की वैकेंसी अच्छी खासी आती है. अभी बिहार में ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई है, मतलब और फार्मासिस्ट की 1400 कुछ वैकेंसी आई है, वो भी मतलब हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आने वाले टाइम में और सारी वैकेंसी आने वाली है बिहार में. एडमिशन में आप लोग का कितना पैसा लगा था बताइए? एडमिशन में आपने 85-100 रुपये लगा था सबका, तो सेम लगा हुआ है ना. तो कैसे, कैश, ऑनलाइन, डीडी वाला? वो दोनों में, दोनों से कैश भी और ऑनलाइन दोनों पेमेंट कर सकते हैं. आप लोग पर ईयर देते हैं या एक बार दे दिए तो हो गया? सेमेस्टर वाइज या ईयर वाइज? ईयर वाइज. तो कितना देते हैं ईयर वाइज? 8500 लगता है. अच्छा. उसमें 6200 फी होता है और 1000 काउंसलिंग फी और 1000 ट्यूशन फी का. उसके बाद अगले वर्ष 6200 लगता है. और हॉस्टल आपको एडमिशन के कितने दिन बाद यहाँ पे आपको हॉस्टल अलॉट हो जाता है? हॉस्टल अलॉट करने का एक नियम है, अब अगर आप जूनियर हैं मतलब तो 1 साल आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा टिल फ्रेशर के बाद ही आपको हॉस्टल में आने की अनुमति है, ये एक नियम है, मतलब सबको मानना पड़ेगा. मतलब फर्स्ट ईयर उनको नहीं मिला जब तक उनका जूनियर नहीं आ जाता. चलिए, ये अच्छा हॉस्टल का माहौल कैसा रहता है, थोड़ा हॉस्टल का माहौल बताएंगे, मतलब माहौल बताइए कैसा. इको फ्रेंडली रहता है, सब कोई अच्छे से एकदम अपने में मस्ती, खेल कूद सब कुछ, सामने हम लोग क्रिकेट उकेट सब चीज, मतलब सब कोई भी बर्थडे वर्डे भी होता है सब कुछ साथ में मना के मिलकर खेलते हैं. और सीनियर बॉस लोग क्या कॉपरेट या थोड़ा डर रहता है उनसे, या कॉपरेट या क्या? कॉपरेटिव है मतलब दिल से? हां, दिल से कॉपरेटिव है. अच्छा, ऐसा कुछ डर नहीं रहता? नहीं, नहीं, मतलब पूरा मतलब भाईचारा रहता है कि हाँ बताते हैं, हेल्प करते हैं छोटे भाई से. ये फार्मा का जो लाइन है इंडिया में ज्यादातर देखा जाए तो ये एक्सपेंड कर रहा है. अच्छा. मतलब आज जॉब अगर मिल रहा है जिसको तो और ये बढ़ता ही जाएगा, जैसे नर्सिंग वर्सिंग का क्षेत्र या डीएमएलटी कोई भी है तो वो सरकारी जॉब का फीलिंग जो है वो मतलब भर के फिर खत्म हो जाएगा. फार्मा एक ऐसा फील्ड है आप किसी भी फील्ड में काम कर सकते हैं ये डिग्री लेने के बाद, कोई भी चीज में. फिर फार्मा का एग्जांपल जैसे कि आप मार्केटिंग, हॉस्पिटल,
अपना शॉप खोल सकते हैं, कहीं ऐसा चीज नहीं है फार्मा बिना दवा बिना कहीं चल जाए। अच्छा, ये शॉप खोलने का क्या प्रोसीजर है? डी एक डी फार्मा होता है, एक बी फार्मा होता है, तो डी फार्मा में आप डी फार्मा से हाई कोर्स है आपका, बैचलर कोर्स ग्रेजुएशन को, तो फिर आपका इसमें क्या है, उनका उनसे आपको क्या ज्यादा मिलता है एक्स्ट्रा? हम लोग को जैसे कि कंपनी में काम करने की अनुमति मिलेगा, वो लोग को नहीं मिलेगा डी फार्मा वाले को। अच्छा, और जैसे लाइसेंस पे आप कितना दुकान खोल सकते हैं? एक ही दुकान खोल सकते हैं, चाहे बी फार्मा करिए चाहे डी फार्मा। अच्छा चलिए, और इस कोर्स के बारे में बताइए, इसका फ्यूचर कैसा है, क्या बोलना चाहते हैं? कोई अगर न्यू लड़का ये वीडियो देख रहा है और वो आप सबका बात सुन रहा है कि हाँ ऐसा ऐसा जॉब आता है, तो वो लोग आपसे मोटिवेट हो रहे हैं, तो उसके लिए क्या बोलना चाहते हैं, उसका फ्यूचर कैसा है कि वो आए या ना? गवर्नमेंट सेक्टर में तो कम है, गवर्नमेंट सेक्टर में देखा जाए तो कम है, बट मतलब आप जितना प्राइवेट से कमा लीजिएगा उससे मतलब कि जितना गवर्नमेंट का सैलरी नहीं होता उससे ज्यादा प्राइवेट में कमा सकते हैं। कैसे? थोड़ा कंपनी में चले जाइए या फिर अपना एजेंसी खोलिए, दवा दुकान खोलिए, मतलब एक अच्छा कंसल्ट होना चाहिए आपको। अच्छा। और ऐसा बात नहीं कि गवर्नमेंट जॉब हर एक चीज होता है, होलसेल मार्केट दुकान खोल सकते हैं। हाँ, एकदम आप कंपनी खोल सकते हैं अपनी। अच्छा, और डी फार्मा वाले खोल सकते हैं या नहीं? एजेंसी नहीं खोल सकते हैं, सिर्फ शॉप खोल सकते हैं। अच्छा चलिए, ये मेरे को थोड़ा सा मालूम था तो इससे कंफर्म थोड़ा करना था, क्योंकि मैंने सुना था कि डी फार्मा वाले दुकान खोल सकते हैं, होलसेल जो दुकान है वो सिर्फ डी फार्मा वाले कर सकते हैं। चलिए अच्छा है, जिसको नहीं मालूम होगा वो करें। कॉलेज में पढ़ाई कैसा होता है पहले आप बताइए, क्योंकि पूरे बिहार में बी फार्मा के लिए दो कॉलेज है और डी फार्मा के लिए सिर्फ आपका एक होता है, यही है गवर्नमेंट फार्मेसी इंस्टीट्यूट अगम कुआं, तो आप उसका एक हिस्सा है, तो ये बताइए पढ़ाई कैसी होती है यहाँ की? पढ़ाई सही है यहाँ की, जिस अंदाज से होना चाहिए मतलब बिहार के कंपेरिजन में, तो ये मतलब कि एक अच्छा स्तर का कॉलेज है, तो मतलब पढ़ाई भी यहाँ का सही है अदर के कंपेरिजन में देखा जाए तो। आपकी बोलिए पढ़ाई के बारे में। पढ़ाई अच्छी हो रही है और धीरे धीरे बहुत सारा इंप्रूवमेंट हो रहा है, नए टीचर आ रहे हैं, पुराने टीचर मतलब जो थे वो रिटायर कर रहे हैं, तो मतलब होता है यंग जनरेशन मतलब कॉलेज में आ रहे हैं, कुछ नया सीखने को मिलेगा प्रैक्टिकल, और इस कॉलेज में सबसे पिछले ही साल से एम फार्म होने लगा, तो और भी मतलब इसको हाँ 20 सीट पे, एक 20 सीट जीपैट, जीपैट में अगर क्वालिफाई होंगे तभी आ पाएंगे यहाँ पे। तो आप थोड़ा बॉस, आप सीनियर है 2019 से हैं, तो आप थोड़ा सा पढ़ाई के बारे में कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है या नहीं? पढ़ाई के बारे में देखिए मिला जुला के ठीक है, जितने भी यहाँ के प्रोफेसर टीचर हैं सब ठीक है, अच्छे से पढ़ा देते हैं ठीक है ना, और बाकी प्रैक्टिकल का भी हो ही जाता है, तो पढ़ाई जो मिला के देखा जाए तो ठीक चलता है। हाँ, और बढ़ रहा है, और स्टार्टिंग हम लोग के कॉलेज में पहले सिर्फ डिप्लोमा होता था, फिर बैचलर डिग्री हुआ बी फार्म, अब पिछले साल से एम फार्म भी स्टार्ट हो गया है, तो पढ़ाई का मामले में देखा जाए तो धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है। और आप लोग मतलब बी फार्मा कर रहे हैं, तो एम फार्मा करने का किसी का इच्छा है, तो एम फार्मा में क्या मतलब आपका बेनिफिट है जो एम फार्मा करना चाहिए? सबसे पहले एक जीपेट एग्जाम होता है, वो सब निकालना चाहता है, क्योंकि उसमें 12,400 का स्कॉलरशिप मिलता है हर महीने, आपको मिलेंगे तो सरकार देगी पढ़ने के लिए। चलिए एक, चलिए अच्छा है, वो सबके लिए टारगेट होता है कि मतलब मैक्सिमम लोग बी फार्म जो करते हैं, जिनको एम फार्म करना है वो जीपेट निकालना उनका सबसे बड़ा गोल होता है, क्योंकि जीपेट निकालने के बाद 12,400 का स्टाइपेंड मिलता है, अगर आप क्वालिफाई भी हैं तब हाँ पर मंथ मिलता है। और सबसे बड़ी बात, जीपैट में मतलब बहुत सारी कॉलेजेस आती हैं जो अच्छी अच्छी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, जैसे बीएचयू है, राजस्थान यूनिवर्सिटी है, और भी डिप्सर हैं, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एजुकेशन रिसर्च, फिर जादवपुर यूनिवर्सिटी है, और फिर सीयूईटी एक एग्जाम होता है, उसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की कॉलेज आती है, अगर जीपैट क्वालिफाई है तो आप सीयूईटी के भी एग्जाम में आराम से आपका एडमिशन हो जाएगा, उसमें सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी आएगी। गवर्नमेंट जॉब अगर आप 2 साल में अगर अच्छे करते हैं तो आपको इधर वगैरह प्लेसमेंट वगैरह अच्छी खासी हो जाती है, गवर्नमेंट नहीं करवाती, प्राइवेट सेक्टर करवाती है रिसर्च वगैरह में। गवर्नमेंट में एम फार्म के बाद मतलब फ्यूचर उतना ब्राइट नहीं है, लेकिन बी फार्म के बाद अगर आप फार्मासिस्ट हैं, ड्रग इंस्पेक्टर हैं, उसमें ही मतलब ज़्यादा ब्राइटनेस है। अगर आपको ज़्यादा पढ़ना है, रिसर्च में जाना, तो आप एम फार्म कीजिए, पीएचडी कीजिए, या एम फार्म कीजिए, और आप जैसे बोले नाइपर जाइए, जैसे बोले कि एम फार्मा करिएगा, एम फार्म कीजिएगा, तो आपको 12,400 मिलता है, बी फार्मा कर रहे हैं तो अभी कुछ 6,000 भी मिल रहा हो, अभी कोई स्कॉलरशिप नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या रहता है आपके, मतलब क्लास में क्या रेशियो रहता है? 70-30 इस रेशियो में रहते हैं। चलिए अच्छा, तो जो लोग यहाँ अब आना चाह रहे हैं, आपके जूनियर्स लोग जो इस साल आ रहे हैं, तो उनको क्या बोलिएगा कॉलेज और हॉस्टल के बारे में, क्या बोलना चाहते हैं, आना है या नहीं आना है? सब कुछ अच्छा है? हाँ सब कुछ अच्छा है, आइए, आपका वेलकम है। चलिए बहुत बढ़िया, तो ये आपसे बात करके अच्छा लगा, मैंने लगभग सारे क्वेश्चन मेरे कंप्लीट हो गए, उसके बाद भी अगर आपका कुछ क्वेश्चन बच गया हो तो कमेंट करिएगा, फिर कभी अगर आए तो फिर आप इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको मिलेगा। बाकी तमाम हमारे बी फार्मा के जितने भी स्टूडेंट हैं तो उनके साथ हमने बात की, और ये ज़्यादातर आप ये जितने भी बातें हैं जो अभी न्यू फ्रेशर आने वाले हैं उनके बहुत ये हेल्प करेगा वीडियो, क्या बोलते हैं आप लोग? अब एक लोग, आप लोग बताइए पहले से मेरा वीडियो कौन कौन देख रहे थे, थोड़ा सा ये भी रहता है ना कि वीडियो बना रहे हैं अगला बंदा देख रहा है या नहीं, मतलब उसके थ्रू मतलब यहाँ पे कौन कौन है, एक पीछे आप लोग सब देखे हैं, तो वीडियो कैसा रहता है ये बताइए? अच्छा रहता है वीडियो, अच्छा रहता है। चलिए तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या ब्लॉगिंग मेरे को आगे करना चाहिए? मैं एकदम 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 जरूर परस्यू करना, मेडिकल फील्ड में और ज्यादा मेडिकल फील्ड में और सब कुछ दिखाना चाहिए, तो मतलब और कोई अगर आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं पढ़ाई मतलब इस कॉलेज से रिगार्डिंग मतलब और कुछ भी एक्स्ट्रा वीडियो अच्छा लगता है जो मैंने बनाया या आप देखे? हां सही है।
कंटेंट सही है। अच्छा चलिए ठीक है, थैंक यू, आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ठीक है, थैंक यू भैया, बाय। ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो।